Hey guys, what's up? This is Prajwal Singh and I welcome you all on your own channel Class Fluent. यार हम आप लोगों के लिए लेकर के आए क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर 12 की एनसीईआरटी की हाईलाइट्स और भी एम्स के टॉपर्स के थ्रू एनसीईआरटी की हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन को की हुई हाईलाइट्स। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट लाइन्स जो कि एम्स के टॉपर्स ने हाईलाइट की हुई हैं। ये आपने देख लीजिए यहाँ पे ईएफबी से जो आपको बायोटेक्नोलॉजी को मिली हुई है डेफिनेशन वो इम्पॉर्टेंट है। हर एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जो जो एनसीईआरटी की लाइंस यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं इसको आप किसी भी कीमत में मिस ना करिए, अदरवाइज आपने एक नंबर भूल सकते हो, एक ही नहीं बहुत सारे नंबर भूल सकते हो। आपके जो लगेगा कि एक छोटी सी लाइन अंडरलाइन की हुई है वो क्या इंपॉर्टेंट है, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से PYQ आता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इसको याद जरूर रखिएगा। गेटैक कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशंस इस टॉपिक का भी आप देख लीजिए। एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज इन PCR। अभी तक का मैं कहूँ अगर पूरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का कोई भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर वो है तो है PCR। बहुत ईजी टॉपिक है बट बहुत बार पूछा जाता है। अगर इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इसका फिगर आप बहुत ही ध्यान से अच्छे से एकदम समझ के बना लीजिएगा क्योंकि बहुत बार आ चुका है। सो दैट्स ऑल, आपका ये पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है और ये रहा आपका चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस की एनसीईआरटी की हाईलाइट्स। यार ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी तक तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, इतनी सारी मोटी किताबें कैसे पढ़ूँ। तो यार मैं आप लोगों के लिए एक नया सिस्टम लेकर के आया हूँ जिससे आप बहुत जल्दी एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो, बहुत जल्दी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, और वो है एनसीईआरटी की हाईलाइट्स। वो हाईलाइट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप कुछ भी मिस ना करिएगा, किसी भी कीमत पर मिस ना करिएगा। अगर जीन थेरेपी की बात करूँ तो मैं ADA डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस गर्ल को दी गई हुई थी, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये परमानेंट क्योर है या नहीं, लास्ट लाइन आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन प्रोटीन α1 एंटीट्रिप्सिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ चलिए यार हमने अपने सब चैप्टर नंबर 2 का भी एनसीईआरटी की हाईलाइट्स को कर लिया है। आपके लिए और भी हाईलाइट्स आती ही जाएंगी एट लास्ट अगर मैं कहूँ तो आपके लिए एक चीज़ मैं कहूँगा यार, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे कंटेंट्स आने वाले हैं। मैं आपके लिए एक सजेशन देता हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ओसवाल क्लास 12 बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश हिंदी सभी चीज़ों का क्या मिलेगा, सैम्पल पेपर। मैंने फिजिक्स का सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वहाँ पे। यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मुझको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगी, समझ आई बात। आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मैं बता देता हूँ उसका नाम क्या है, क्लास फ्लुएंट यूट्यूब का भी टेलीग्राम का भी, प्लीज़ इसको ज्वाइन करो क्योंकि मैं जितना कंटेंट यहाँ पे दिया हूँ उसका 4 गुना कंटेंट मैं वहाँ पे देता हूँ, डेली का डेली मैं वहाँ पे कंटेंट देता हूँ। दैट्स ऑल यार, थैंक यू।